आप देख रहे हैं जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। बलसांड गुजरात से टंक प्रसाद दालान की रिपोर्ट। देखें और जानें, लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट भी दें। हमको ये जानना महत्व क्या है, पेड़ क्यों लगाते हैं, वृक्षारोपण क्यों होता है और पर्यावरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी दूंगा। अभी डेली हम लोग 274 लीटर जो पेड़ से हवा लेते हैं, एक पेड़ 274 देता है, जो स्वस्थ पेड़ रहेगा 274 लीटर हमको हवा देता है, लेकिन हम लोग 550 लीटर कंज्यूम करते। तो सोचिए, अपने कितना पेड़ लगा लीजिए एक आदमी के पीछे, तो भी बचा दूसरा सवाल, हम लोग डेली कितना CO2 जनरेट करते हैं। हम लोग 1 kg CO2 डेली निकाल रहे हैं, तो साल में कितना होगा, 365 kg होगा। और एक पेड़ कितना देता है CO2 अपना अवशोषित करता है, वो 21 kg करता है। तो सोचो 17 पेड़ हो गए, तो 17 जो 19 पेड़ तो ऐसे ही लगाना है खाली जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं। बाकी हम लोग कितना साधन उपयोग कर रहे हैं, आज का 20 साल पहले जब मैं यहाँ जॉब करने आया तो न मोबाइल था, न तो शूज पहनते थे ठीक से, न तो इतना अच्छा कपड़ा पहनते थे, न तो 4-wheeler था, न तो बाइक था, साइकिल का उपयोग करते थे। आज साधन इतने हो गए हैं और 20 पेड़ का हम लोग कंज्यूमशन निकाल रहे, बाहर कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। तो कम से कम एक आदमी को 40 पेड़ लगाना चाहिए। कभी कभी मैं बहुत दूर फंस जाता हूँ कि जैसे 10 किलोमीटर हमको आना है और कोई पेड़ न दिखे, जो थकान लगता है तो पूछो मत, सभी के सामने ऐसा आया होगा। लेकिन वही अगर जगह जगह पेड़ पूरी हरियाली रहे ये रोड के ऊपर, तो कैसा लगेगा, हमको थकान का महसूस नहीं होता। पर्यावरण को बचाना, अभी अपना जो एक रूम में रहते हैं, एक रूम बंद करके रख दो, कोई हवा उसने लग जाए और एक आदमी का जो CO2 निकलता है वो आदमी का डेथ हो सकता है। समझ रहे, 5000 ppm एक 10 लाख में 1 kg होता है, 1 kg हम लोग 10 लाख डेली निकालते हैं, 5000 ppm पे हमारा डेथ हो सकता है। 30,000 ppm अगर होगा तो 15 मिनट तक वहां रुक सकते हैं, और नहीं सॉरी 5000 TLV होता है 8 घंटे तक रह सकते हैं, 30,000 STL रहता है 15 मिनट तक रह सकते हैं, 40,000 हुआ तो हमारा डेथ हो सकता है। तो हमको कौन बचा रहा, एक पेड़ बचा रहा, पेड़ ऐसा एक प्रोग्राम नहीं है, सब लोग आए इतना अच्छा, सब लोग उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, हमको मिलजुल के ज्यादा से ज्यादा पेड़, हर आदमी को 40 पेड़ लगाना है और अपना जो कर्ज है वो कर्ज उतारना है। यही धरती ऊपर जाएगी थोड़ा, ये अपना कुटुंब है, थोड़ा ऊपर जाएगी कितना सुंदर लगता है कि चाँद जैसा लगता है, चाँद से भी अच्छा दिखता है, थोड़ा ऊपर जाने के बाद फुटबॉल जैसा। ये धरती को बचाना हम सबका काम है। कैसे बचाएंगे, बचाएंगे अपने अंदर अवेयरनेस लाके हम बचा सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक कहीं भी फेंक देते हैं, गुटखा खाए कहीं भी फेंक दिए, तंबाकू का पुड़ी कहीं भी फेंक दिए, एक एक प्लास्टिक का चीज क्या करो, डस्टबिन रखो, ये क्या मतलब डस्टबिन में डालो, डस्टबिन में क्या होगा, रिसाइकल होगा तो कम ऊर्जा लगेगा। जो भी फैक्ट्री है कंपनी है हमारे लिए, हमारे साधन के लिए फैक्ट्री सब बड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि चलो उसको मिनिमाइज कैसे करें, तो जो भी प्लास्टिक है कोई वस्तु है भी, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं तो थोड़ा दिन ज़्यादा तक यूज हो सकता है, ज़्यादा यूज करें। अभी समझो 4-wheeler है, उनको जरूरत नहीं है 2-3 किलोमीटर जाना है, तो चलो पैदल चले जाने, साइकिल का उपयोग करें। जैसे फैक्ट्री में कोई आदमी रेगुलर गाड़ी लेके आ रहा है, तो कोई बाजू में अपने हैं तो चलो उसके साथ चले जाते हैं। आज जरूरत हो गई है, एक आने वाले अगले 20 साल में हम लोगों को ये धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, रिसाइकल रीयूज इसके ऊपर बहुत ही ध्यान देना है। वो तभी ध्यान देंगे जबकि हमको जरूरत महसूस होगा क्या जरूरत है। अब सोचिए 365 kg हम निकाल रहे हैं, प्लस हमारे जरिए कम से कम उसका 5 से 6 गुना निकल रहा है, तो कम से कम 500 kg निकल रहा है, और जबकि हम 550 डेली हवा भी ले रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह रोड पर जहाँ जगह खाली है, कोई कहीं पैसा नहीं होना चाहिए कि पेड़ नहीं। पहले समय में अपना पॉपुलेशन भी कम था, पेड़ भी ज़्यादा था, आज कच्चा मकान था पहले और पेड़ बहुत ज़्यादा था, जो कि काम होता था लकड़ी से होता था, आज पक्का मकान है, हर जगह पेड़ कटते जा रहे हैं, सिर्फ जगह जगह पेड़ दिखते हैं, कहीं कहीं पे पूरा रेगिस्तान जैसा हो गया है। एक वैज्ञानिक ने बोला था कि वो समय निकट है कि अपनी ये धरती मरुस्थली बन जाएगी, मतलब रहने के लायक नहीं रहेगा। तो हम लोगों को इसके लिए कोशिश करना है, इसके लिए मैं आज बता रहा हूँ कि जानना जरूरी है क्या होगा, आगे आने वाली पीढ़ी हमको गाड़ी में दे,
कि तुरंत किसी को कैंसर हो जाए, तुरंत किसी को बीमारी हो जाए, वो चीज नहीं करना। उदाहरण ठीक है, ये रूम में अभी धुआं कर दिया जाए, क्या हालत होगा हमारी थोड़े समय में। अपना जो पृथ्वी है बड़ी है, लेकिन इसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं। अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा गैस होगा, गैस हम लोगों को घर से निकलता है, घर से ही बंद करना है। और सभी को जागरूक करना है, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह प्रोग्राम करके। पानी जरूरत है, अभी बारिश का पानी आ रहा है, हो सके तो 2 से 4 बकेट इकट्ठा करो पानी, उससे कपड़ा धो। ये छोटी छोटी बचत होती है। कंपनी में तो हार्वेस्टिंग वगैरह सब करते हैं, तो पानी के ऊपर ध्यान देना है हमको। ये बारिश के समय में कितना बचा सकते हैं और उसका उपयोग कैसे करना है, रीयूज के बारे में बात करना है। और ज्यादा मैं उनसे बहुत बहुत सबको धन्यवाद, रमन भाई साहब, भट्ट साहब और नीलेश पाटिल साहब और सब जो यहाँ आए, उन्होंने हमें मौका दिया। पहली बार मैं भी ये मंच पे हो रहा, समय कम है, इसके लिए मैं दी रहा हूँ। आज यह कार्यक्रम उपस्थित विजय झाजे एजुकेशन सोसायटी BMMBF पाड़िया शाला परिवार ना मोदी श्री हसन भाई साहब तथा अन्य उपस्थितियो, उमरगाम तालुकाना धारासभ्य श्री रमणभाई पाटकर साहेब तथा आरती ड्रग्स लिमिटेड कंपनीना डायरेक्टर श्री नीलेशभाई पाटिल अने तेमनो खूब मोटी संख्यामां पधारेलो स्टाफगण, कैम्पस डायरेक्टर श्री भरत सर, सदगामना सरपंच श्री रोहितभाई, उप सरपंच श्री रसिकभाई, शाळाना शिक्षकगण, રાજેશભાઈ એમનું પણ અહીંયા હાર્દિક સ્વાગત છે। ભગવાને પણ પોતાની પધરામણીના સાબિતી રૂપે તંકુ પગલા પાડવા પડ્યા હતા, તેમ આપણા માનવતા મહેમાનનું સ્વાગત સ્વાગત પૂરતું નથી, એમના સ્વાગતની સાબિતી રૂપ આપણે પણ એમનું સ્વાગત કુછ દ્વારા કરીશું। હવે માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી રમણભાઈ પાટકર સાહેબ શ્રીનું સ્વાગત કરવા માટે હું કંપનીના ડાયરેક્ટર શ્રી सपा फोटो कितना